श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे लहसुन के छिलके के फायदे। शायद आपको सुनकर अटपटा लगता होगा, पर आपको बता दें कि जिस तरह से लहसुन में अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये शरीर के लिए लाभदायक होता है, उसी तरह लहसुन के छिलकों में भी एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। इसमें एलिसिन कंपाउंड होता है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। लहसुन के छिलकों को पीसकर स्किन पर अप्लाई करने के भी कई फायदे हैं, तो चलिए वही फायदे हम आपको बताने जा रहे हैं। लहसुन के छिलके को बारीक पीसकर कैस्टर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर सिर पर लगाने से बालों का रंग काला होता है, बाल काले सुंदर और चमकदार बनते हैं। इसके छिलके को पानी में डालकर उबाल लीजिए। इस पानी को ठंडा करके पौधों में डालने से पौधे जल्दी बढ़ते हैं। लहसुन के छिलके को एक पैन में गर्म करके इसका पाउडर बना लीजिए। इसमें ऑलिव ऑयल मिलाकर बालों पर लगाने से बालों का रंग काला होता है। लहसुन के छिलकों का पेस्ट बनाइए। इसमें नींबू का रस मिलाकर बालों की जड़ों में लगाने से जुएं खत्म हो जाती है। गार्लिक पील को पीसकर इसमें शहद मिलाइए। इसे सुबह शाम खाने से अस्थमा का जो असर है वो कम होता है। लहसुन के छिलकों को पानी में डालकर उबाल लीजिए। इस पानी को गुनगुना करके बाल धोने से हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर होती है। लहसुन के छिलके को सूप या चिकन स्टॉक बनाते समय उसमें मिलाएं, इससे टेस्ट बढ़ता है। लहसुन के छिलकों को पीसकर पिंपल्स पर लगाएं। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पिंपल्स ठीक करने में मदद करते हैं। लहसुन के छिलकों को पानी में डालकर उबाल लीजिए। इसे छान कर पीने से सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। लहसुन के छिलके को पानी में डालकर उबाल लीजिए। अब इस पानी को गुनगुना करके उसमें पैरों को कुछ देर तक रखने से पैरों की सूजन खत्म हो जाती है। तो धन्यवाद, इतने सारे लहसुन के छिलके के फायदे हमने आपको बताए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।